अबे क्या है? अबे प्रैंक वाली क्या ये? Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो फिलहाल उठ गए हैं और निकलते हैं सीधा हल्द्वानी के लिए. पीयूष उठ जा, हल्द्वानी जाना, उठ जा, उठो उठो जल्दी, उठो उठो, कुनाली उठो उठो जल्दी. भाई शादी में आने के लिए सब अपने अपने बैग लेके आए. देखो 1 2 3 4 5 6 भाई 6 सूटकेस सिर्फ 2 दिन के लिए. वो भी ये फायदा होता है फॉर्चुनर होने का. फॉर्चुनर में कितना सामान भर के ले जाओ. अभी इधर भी है, देखो इधर भी है, इधर भी है. फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हैं सोसाइटी. फाइनली टाइम से घर पहुंच गए. अब चलते हैं अंदर, मिलते हैं ओरियो से. देख बड़े पापा के पास आया, मेरे पास नहीं आया. देखो बड़े पापा के पास पहले जा रहा है. बड़े पापा ज्यादा प्यार करता है. क्या हो गया तेरे को? हेलो अच्छा मेरे पास तो आ जा. मेरे पास तो आ जा. गाइस देख लो भाई, बड़े पापा को छोड़ नहीं रहे. तो क्या हो गया इसको? छोड़ नहीं रहा आपको तो? अरे अरे दादा जी प्रणाम. प्रणाम क्या हो गया इसको? ओम प्रणाम. प्रणाम ठीक हो? गाइज हम तो जल्दी पहुंच गए. बाकी मम्मी चाची साहिल पीयूष और कुनाली फॉर्च्यूनर में आ रहे थे ना, तो उनको टाइम लगेगा आने. मेरे पास क्यों नहीं आता? मेरे पास क्यों नहीं आता तू? तेरे को मैं लेके आया था ना, मैं लाया था अंदर को जब छोटा था. कौन लाया था? तो अब नहाएंगे धोएंगे रेडी होएंगे, बिकॉज दिल्ली में तो नहाया नहीं था. वहां बस उठे और सीधा यहाँ आ गए टाइम से. हम कहीं पर रास्ते में रुके ही नहीं, सीधा 5 घंटे ड्राइव करके हल्द्वानी. पीयूष और कुनाली भी आ गए. पीयूष पे तो कूदा ही नहीं, चाची पे भी नहीं कूद रहा. कुनाली पसंद है इसको, बस कुनाली. तो अब हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी. चाची आटा गूंद रही है और मम्मी सब्जी बना रही है. तो ब्रेकफास्ट करते हैं. आज बने हैं छोले एंड रोटी. कुनाली इसके बाद अनबॉक्सिंग करनी है, 2 दिन पार्सल आए हैं. अब है अनबॉक्सिंग टाइम. हमारे पास में 3 बॉक्स आए हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने भेजे हैं. स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स से, छोटे वाले बॉक्स से. चलो खोलो. कुछ नहीं है इसमें. हैं? पकड़ के देखो. अभी तो खाली है, हल्का एकदम. खाली करना आपको प्रैंक. खाली नहीं होगा बट कुछ कुछ तो होगा. लेटर होगा, कुछ तो होगा. टट्टी है. हैं? अभी ये किसने भेजी है? क्या क्या चीजें भेजते हैं यार लोग, क्या सच में है क्या? अभी ये क्या है? मेरे पास जादू का बहुत सामान है. चलो नेक्स्ट. अभी तो जैकेट है ये, इसमें तो हम तीनों आ जाएंगे, तीनों भाई बढ़िया. हाँ? इसके तो हम चारों भाई फिट हो जाएंगे. इसमें भी जैकेट ही होगी. जिसने भेजा थैंक यू. ये बड़ा साइज है पापा जी, आपको ही आएंगे साइज. इसमें देखते क्या है. हेलो सौरभ भैया, आपके पूरे परिवार को हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमस्ते. मेरा नाम शशांत रामकृष्ण है, बेंगलोर से. और इसमें तो बिस्किट ही बिस्किट है. क्या छुपा रहा है? क्या छुपा रहा है? क्या छुपा रहा है? बिस्किट छुपा रहा है बेचारा. ये पापा जी के लिए, पापा जी लिए आपके आपके. अरे अरे पापा जी को सही आ गई हुडी. थैंक यू. बेस्ट पापा जी. आपके लिए कुछ और भी है ये देखो. अरे ये मेरे लिए सौरभ लिखा हुआ इस पे. ये साहिल के लिए, ये पीयूष के लिए, ये कुनाली के लिए. गाइज थैंक यू जिसने भी ये सब भेजा है. बट मैं हमेशा बोलता हूँ गाइज प्लीज 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 ये सब मत भेजा करो. इसके जगह आप मतलब जरूरतमंदों को बांट दो, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बाय कर सकते हैं. जो लोग नहीं खरीद सकते. अबे यार मैं क्या बात बोल रहा हूँ, इसको खाने की पड़ी है. अब देखना बोल रहा जो जरूरतमंदों के लिए छाट रहा है. मुझे जरूरतमंद यही है, जरूरतमंद. थैंक यू गाइस, हमको इसकी बहुत जरूरत थी. हमारे घर वाले हमको दिलाते ही नहीं है. मैं कुछ और बोलने में लगा हूँ, ये बांटने में लगे. ये मेरा गाइस मैं कह रहा हूँ, ये सही नहीं है. इन दोनों के लिए मत भेजा करो कुछ भी इस तरह से. जो लोग जिनको जरूरत है, जो लोग नहीं खरीद सकते उनको, उनके लिए खरीदो बस. उनको भेजो बस. थैंक यू सो मच. अबे रुक जा यार, अभी तो रुक जा, रख उसको. हाँ, वो तो सही है. गाइस प्लीज रिक्वेस्ट है, इस तरह से मत भेजा करो. प्लीज प्लीज आप लोग लेटर भेजो, लेटर पढ़ूंगा मैं, अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा. आप लोग जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं दिखाऊंगा. बट इस तरह से कुछ खाने की चीज या फिर कुछ इस तरह से प्लीज मत भेजा करो. सॉरी गाइस. ये टेस्टी होता है, ये चॉकलेट नहीं है. वैसे गाइस मैं पीयूष कुनाली को भी इतनी सारी चीजें कभी नहीं दिलाता, बिकॉज ना इन सब में मीठा होता है तो मैं अवॉइड ही करता हूँ. चॉकलेट बिस्किट, इसमें सिर्फ एक चीज मिलेगी,
सिर्फ एक चीज, जरूरतमंदो जरूरत, ठीक है बस एक ही बस हो गया बस। एक अम्मा को दे दे चीज़। वो लेके भाग गया। अबे ओए इधर से। तो गाइज अभी हम आए हैं हमारे छोटे से किचन गार्डन में जो कि अम्मा ने बोया था। देखो यहाँ पे लहसुन वगैरह बो रखे हैं, यहाँ पे लाई वगैरह, मम्मी जी तोड़ रही धनिया। गाइज अपना नए घर का सबसे बढ़िया एरिया लगता है ये सबसे ऊपर वाला छत वाला जहाँ पे स्टूडियो है, क्योंकि एकदम खुला खुला है यहाँ पे, एकदम मस्त सा लगता है। तो हम सीधा ऊपर ही आ जाते हैं, ऊपर छत होगी ना तो और मस्त लगेगा, सबसे ऊंचा। गाइज अम्मा को देखो भाई अकेले घूम रही है वहाँ पे इतनी दूर, देखो कितनी दूर है अम्मा, ये देखो कितनी दूर है। कुराली अगर आपने ये ब्लॉग उठा दिया तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। पहले आप उठाओ। कुराली 500 रुपए उठा। हाँ उठा। इतना तो मेरे पास भी है। अभी कितना हल्का है तो कुराली उठा दो, 500 रुपए मिलेंगे। उठा दिया। उठा दिया। यस। 500 रुपए का है। तो अब चलते हैं नीचे। नीचे का तो आपने देखा ही है गाइस। गाइस ये है पीयूष का रूम और ये कुनाली का रूम, बट दोनों का जो वॉशरूम है वो सेम है। देखो एक एक डोर यहाँ आएगा, एक डोर यहाँ आएगा। अगर पीयूष को जाना है तो पीयूष इधर से जाएगा, कुनाली को जाना है कुनाली इधर से जाएगा। अगर दोनों को एक साथ जाना है, कुनाली आ रहा होगा, मैं कुनाली के यहाँ पर कुंडा लगा दूंगा, फिर क्या करेगा कुनाली। तो आज डिनर में बनेगी हरी सब्जी। तेज मारो तेज। अरे मम्मी जी को ये वाला चाकू यूज करना नहीं आता। तेज तेज तेज, एक बार में पूरा कटना चाहिए। पापा जी सिखाएंगे। अभी हो रही शाम की पूजा, डिनर की रोटी की तैयारी, डिनर की सब्जी की तैयारी। दादाजी मटर छील रहे हैं। अम्मा आप क्या कर रहे हो? अम्मा भजन सुन रही है। कुनाली पढ़ाई कर रहा है। साहिल दूसरे वाले घर पे है, पीयूष गेमिंग स्टूडियो में। तो गाइस अब करते हैं डिनर, मैं अकेले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी। तो गाइस डिनर हो चुका है, अब फिलहाल मैं करूंगा ड्राइंग जो कि मैंने काफी पहले स्टार्ट की थी और अभी तक सिर्फ आंखें बनी है वो भी थोड़ी सी। ये देखो मैंने स्टार्ट की थी ना विराट कोहली सर की ड्राइंग, तो सिर्फ आंखें बनी वो भी थोड़ी सी, अभी तो रियलिस्टिक बनेगी बिल्कुल जैसे ये दिख रही है ना ऐसी, बिल्कुल रियल आंख जैसे दिख रही है ना ऐसी ऐसी बनाएंगे। अभी तो बिल्कुल हल्का सा है ना, तो अभी काफी दिन लगेंगे इसमें, हफ्ता लग सकता है। बस मुझे डेली 2-3 घंटे काम करना पड़ेगा इसमें ना। आज मेरा गोल है मुझे नाक कंप्लीट करनी है। गाइस रात के 12 बज चुके हैं और ये देखो भाई इतना ज्यादा बना दिया मैंने, मैंने नाक भी बना दिया, लिप्स भी बना दिया, ईयर भी बना दिया और बियर्ड भी बना दिया। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, अभी तो और डिटेलिंग होगी, बिल्कुल रियलिस्टिक बनाऊंगा जैसे फोटो दिख रहा है ना, बिल्कुल रियलिस्टिक। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है। ये सारा सामान उठा के यहाँ रखता हूँ, एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और भूख भी लग रही है तो किचन जाकर कुछ खाऊंगा बना के। तो चलो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असली थोड़ी है वो निकली है। अम्मा बोल के दोबारा बोलो क्या लिए।